हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुधर्मा ने कोरोना मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के 68,058 करोड़ रुपए के बजट को केवल मात्र आंकड़ों का मायाजाल बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर केवल मात्र घोषणाओं की लीपापोती कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर यह मदद किसी को नहीं पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों भजन जागरण कलाकार अपने जीवन यापन के लिए रोजी रोटी से जूझ रहे हैं। कोरोना की वजह से जागरण के ऊपर काफी पाबंदी लगने से वो लोग लाचार हैं। दूसरी तरफ यही हाल दुकानदारों के पास नौकरी पेशा करने वाले लोगों का है। व्यापार की खस्ता हालत के चलते दुकानदार मजबूरी में काम कर रहे लोगों की छटनी कर रहे हैं। सुनील शर्मा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में दुकानदार के पास कार्यरत नौकरी पेशा वर्ग और भजन जागरण कलाकार किसी भी तरह की आर्थिक एवं खाद्यान्न सामग्री मदद उनको नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर को केंद्र सरकार द्वारा इन दोनों वर्गों के लोगों के आर्थिक और खाद्य सामग्री पैकेज के लिए मदद की घोषणा करनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा ने सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कागजी बताया तथा कहा कि जरूरतमंद लोगों को इसका कोई लाभ नहीं पहुंचा है, जो कि सरकार की बहुत बड़ी असफलता है। पीएलटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।